हाय, बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि इंडोर प्लांट्स बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। उनको कितनी मेहनत से, कितनी उम्मीदों से हम घर लाते हैं, कितनी केयर करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये ख़राब हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इंडोर प्लांट दिखाने जा रही हूँ जो बहुत 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 हार्डी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सालों साल चलेगा, एवरग्रीन प्लांट है। ये एक परफेक्ट इंडोर प्लांट है जिसको धूप की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, सोफे के साइड में, फ्रिज के ऊपर कहीं भी रख सकते हो। मेन चीज़ ये एक ऑक्सीजन गिविंग एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, बेस्ट डेकोर आइटम है, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। आप इसको जहाँ भी रखोगे अपने घर के कॉर्नर में, वहाँ पर आपके घर की शोभा बढ़ जाती है। अगर आप अपने मंदिर के आसपास कुछ प्लांट्स रखना चाहते हो तो ये प्लांट परफेक्ट है। कुछ लोग गिफ्ट्स देने के लिए प्लांट ढूंढते हैं, बहुत अच्छा प्लांट है ये गिफ्ट के लिए भी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की बर्थडे में प्लांट्स लगाते हैं, बहुत ही अच्छी हैबिट है ये। अगर आपके घर के आसपास ज़्यादा स्पेस नहीं है और आपके घर पे बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आती है, धूप नहीं आती है, तो आप अपने बच्चों की बर्थडे में इस प्लांट को लगा सकते हो। मैं बात कर रही हूँ ज़ैमियोकुलकस ज़ेमिफोलिया यानी कि ZZ प्लांट की। नर्सरी में और यूट्यूब में हर जगह इसको ZZ प्लांट कहते हैं और हम भी इस वीडियो में इसको ZZ प्लांट बोलेंगे, इसका कोई और दूसरा नाम नहीं है। अगर अब आप मन बना चुके हो इस प्लांट को अपने घर में रखने का, तो आपको इसकी कंप्लीट केयर पता होनी चाहिए कि इसको कहाँ रखना है, कितना बड़ा पॉट होना चाहिए, मिट्टी, पानी, खाद, सब कुछ। और एक बहुत बड़ा डिबेट ये है कि क्या ZZ प्लांट पत्तियों से उगता है, तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। ये वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई प्लांट आपके पास है तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसके लिए मौसम कौन सा अच्छा है, ये सर्दी वाला पौधा है या गर्मी वाला पौधा है, और दूसरी चीज इसके लिए परफेक्ट टेम्परेचर क्या है। ZZ प्लांट एक टिपिकल गर्मी वाला प्लांट है, जहाँ पर सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं वहाँ पर ये प्लांट पूरे साल 365 डेज ग्रोथ करता है। लेकिन जहाँ पर ठंड पड़ती है, जैसे ही सर्दियाँ आती है, ये प्लांट थोड़ा सा दिक्कत में आता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसकी जो नीचे की पत्तियाँ हैं वो पीली होने लगती हैं, हो सकता है कि कुछ डंडियाँ गल के गिर जाएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आता है। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो सर्दियों में बिल्कुल मुरझा जाते हैं और हमें फिर मौसम चेंज होने पे उनकी हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ती है, लेकिन ZZ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रेस में आएगा और जैसे ही मौसम चेंज होगा अपने आप ये रिकवर हो जाएगा। वैसे इसके लिए बेस्ट सीजन है स्प्रिंग, यानी कि बसंत ऋतु में ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। एक्चुअली यहाँ से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, नई नई पत्तियाँ आती है, और टेम्परेचर इसके लिए परफेक्ट है 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब बात ये आती है कि ये प्लांट आपको कहाँ से मिलेगा। इसके पहले आप एक चीज़ समझें, इस प्लांट की दो वराइटीज़ होती हैं। मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो ये दो कलर्स में आता है, एक टिपिकल ग्रीन कलर जो मेरे साइट में है और एक होता है ब्लैक कलर। जो ब्लैक है वो जेड ब्लैक नहीं होता है, ब्लैक शेड में होता है, ब्लैकिश सा होता है। इसकी एक खासियत है, जब पत्तियाँ छोटी होती हैं तो ये ग्रीन कलर की होती हैं, धीरे धीरे इसकी पत्तियाँ अपना कलर चेंज करती जाती हैं। आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों प्लांट्स के बीच में। ZZ प्लांट आपको नर्सरी में बहुत ईजिली मिल जाएगा। अगर नर्सरी बहुत अच्छी है तो दोनों कलर्स मिल जाएंगे, वरना ग्रीन कलर बहुत आराम से मिल जाता है। नर्सरी के अलावा ऑनलाइन वेबसाइट्स में बहुत ईजिली मिल जाता है, उगाओ में, नर्सरी लाइव में, कहीं भी आप इसको ले सकते हो। अगर मैं रेट्स की बात करूँ तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा कॉस्टली होता है, 150 से 200 के बीच में आपको ओके मीडियम साइज का ZZ प्लांट मिल जाएगा। बड़े साइज में मिल रहा है या हेल्दी मिल रहा है तो रेट्स बढ़ते जाते हैं, 600, 1000, नॉट इवन मैंने 2500, 5000, 10-10 हज़ार के ZZ प्लांट देखे हैं, बहुत हेल्दी, बहुत बड़े साइज में। इसके अलावा इसमें जड़ें तो होती हैं, साथ में इसमें बल्ब्स भी होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि बल्ब का जो शेप है वो आलू जैसा है, लेकिन मुझे इसके बल्ब का शेप बिल्कुल मशरूम जैसा लगता है, जैसे मार्केट में मशरूम आता है ना वेजिटेबल्स में, वैसा दिखता है। तो अगर आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के पास बहुत ही घना ZZ प्लांट है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके बल्ब से अलग करके एक ZZ प्लांट ले सकते हो। इसके अलावा ये स्टेम से लगता है, स्टेम की कटिंग होती है। मैंने अक्सर नर्सरी में देखा है कि स्टेम कटी हुई मिलती है।
और ये प्लांट लीव से भी ग्रो होता है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि लीव से जब आप ग्रो करोगे, पत्तियों से जब आप ग्रो करोगे, तो इसमें जड़ें तो आती हैं लेकिन इससे नया प्लांट नहीं बनता है। ऐसा नहीं है, मैंने पत्तियों से प्रोपोगेट किया है, उसमें रूट्स भी आई, उसमें बल्ब्स भी आए और उससे नए प्लांट भी बने। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास इस प्लांट के लिए। बेस्ट तो यही है कि आप इसको पहली बार तो नर्सरी से खरीद के लाओ। प्लांट तो आपने खरीद लिया, बात ये आती है कि इसको कितने बड़े और कौन से पॉट में लगाया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आज तक इस प्लांट को कभी भी नर्सरी में पॉली बैग में नहीं देखा है। मैंने इसको हमेशा और हमेशा प्लास्टिक के पॉट्स में देखा है। अगर आपको किसी नर्सरी में ये जीजी प्लांट पॉली बैग में मिलता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। पहली चीज़ तो ये है कि इस प्लांट को रूट बाउंड पसंद है। जब इसकी जड़ें जकड़ जाती हैं, फैल जाती हैं, उसके बाद इसकी पत्तियों में एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो इसको रूट बाउंड बहुत पसंद है। और दूसरी चीज़, इसको रीपॉटिंग मतलब पॉट बार बार शिफ्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये एक बार सेट हो जाता है तो सालों साल एक ही पॉट में रहता है। अब बात यह है कि जब आप इसको नर्सरी से लेके आओगे, आप उसको किसी भी कंडीशन में एटलीस्ट 3 महीने तक शिफ्ट नहीं करोगे। चाहे जड़ें नीचे से निकल रही हों या ना निकल रही हों, आप इस प्लांट को शिफ्ट नहीं करोगे। पॉट अगर अच्छा नहीं लग रहा है, आप साफ कर लो, उसे पेंटिंग कर दो। यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियोस हैं अपने पॉट्स को डेकोरेट करने के, मेरे चैनल पे भी है कलर करने का, आप देख सकते हो। कलर करने का मन नहीं कर रहा है, सुंदर से पॉट के अंदर इसको रख दो, लेकिन आप 3 महीने इसको शिफ्ट नहीं करोगे। अब बात यह आती है कि आप इसको किस पॉट में लगाओगे। आप इसको किसी भी पॉट में लगा सकते हो, आप मिट्टी में लगा सकते हो, सीमेंट, प्लास्टिक, सेरेमिक, मेटल, किसी में भी लगा सकते हो, बस इसको आप ग्रो बैग्स में मत लगाना। अब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अगर मैं इसको अपने बेडरूम में रख रही हूं या मैं अपने ड्राइंग रूम में रख रही हूं तो मैं सीमेंट पे तो नहीं लगाऊंगी। मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं उनमें प्लांट सबसे अच्छे ग्रो होते हैं। अगर आपको मिट्टी का बढ़िया सा पॉट मिलता है, आप उसमें पेंट वगैरह करके रख सकते हो अपने घर के अंदर, तो बेस्ट यही है, मिट्टी के पॉट में लगा लो। नहीं तो आप सेरेमिक में लगा सकते हो। सेरेमिक पॉट्स में भी 2 क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो पतली चादर वाले आते हैं जो पतले से होते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनमें प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। कुछ मोटी चादर वाले होते हैं, मोटे मोटे होते हैं पॉट्स, वो प्लांट्स के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो मेरा जो ये जीजी प्लांट है वो येलो कलर के इतने खूबसूरत पॉट में था, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गिर गया ये पॉट और टूट गया। फिर इमिडिएटली हम नर्सरी गए, हमने इसी तरीके का सेरेमिक पॉट ढूंढा, हमें नहीं मिला, तो फिर मैंने इसको प्लास्टिक के पॉट में लगाया और प्लास्टिक के पॉट में भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। पॉट आप चाहे जो भी लो, उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी आपका जीसी प्लांट जिस भी पॉट में है उससे 1 नंबर या 2 नंबर बड़े पॉट में ही आपको शिफ्ट करना है। सपोज़ आपका जीजी अभी 4 इंच में है तो आप 6 इंच में या 8 इंच में लगा सकते हो, लेकिन 4 इंच से सीधे आप 12 इंच 14 इंच में शिफ्ट नहीं करोगे, इससे आपका प्लांट जल्दी ख़राब हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसे ही ये प्लांट ख़राब हुआ है। जीजी प्लांट को कहाँ रखना है, मतलब इसको कितनी धूप चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्लांट को डायरेक्ट धूप बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप में से किसी ने इसको बाहर रखा है, धूप में रखा है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मैंने अपने एक जीजी प्लांट को थोड़े दिनों के लिए बाहर रखा, जस्ट टू चेक कि इसकी क्या कंडीशन रहती है। ऐसा बहुत तेज़ धूप में नहीं रखा, अर्ली मॉर्निंग की जो धूप आती है उसमें रखा, तो इसकी पत्तियाँ ना सूखने लग गई, डल होने लग गई, ये प्लांट ख़राब होने लगा। और इसको बारिश का पानी तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो आप इसको अपने घर के अंदर ही रखोगे। अंदर कहाँ कहाँ रख सकते हो, आप इसको ब्राइट लाइट, मीडियम लाइट और लो लाइट में रख सकते हो। अब ये क्या होता है, जैसे ये एरिया है मेरे घर का, यहाँ बहुत अच्छी रोशनी आती है, लेकिन इस प्लांट के ऊपर धूप नहीं पड़ती है, बहुत उजाला रहता है, अच्छी रोशनी रहती है, ये ब्राइट लाइट एरिया है। दूसरा है मीडियम लाइट, ये जो एरिया है यहाँ पर भी रोशनी रहती है, ठीक ठाक रहती है, ब्राइट लाइट से थोड़ी सी कम रोशनी है लेकिन है। इस एरिया को मीडियम लाइट बोलेंगे और इसमें भी जीजी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब एक ऐसा एरिया जहाँ पर मीडियम लाइट से भी कम रोशनी है लेकिन रोशनी है, दिन में मुझे कोई भी काम करने के लिए लाइट नहीं जलानी पड़ती है, इस एरिया को लो लाइट बोलेंगे।
मैं यहाँ पर भी वीवी प्लांट को रख सकती हूँ, लेकिन आप इसको एकदम डार्क रूम में नहीं रखोगे। आपके जिस भी एरिया में आपको दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप वहाँ पर वीवी प्लांट को रख सकते हो। इसके लिए जो बेस्ट है वो है ब्राइट लाइट एरिया। और वैसे इस प्लांट की ग्रोथ बहुत स्पीड से नहीं होती है, ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट ही है। तो ये कितना अच्छा प्लांट है ना, जिन लोगों के घर पे डायरेक्ट धूप नहीं आती है, उजाला रहता है, धूप नहीं आती है, ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है वीवी प्लांट। इस प्लांट को पानी कैसे देना है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपका जीजी प्लांट ख़राब हो सकता है। तो आप जब भी इस प्लांट को पानी दोगे, जब भी आपका मन करेगा पानी देने का, आप दो बार सोचोगे कि एक्चुअली इस प्लांट को पानी की ज़रूरत है भी या नहीं। एक्चुअली इस प्लांट को पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, इसके जो बल्ब्स होते हैं ना उनमें मॉइस्चर होल्ड होता है। दूसरी चीज़, हमने इसको इंडोर रखा है, घर के अंदर रखा है, धूप में नहीं रखा है, जिससे इसकी मिट्टी लंबे टाइम तक गीली रहती है। दूसरी चीज़, हमने इसको सेरेमिक में रखा है या प्लास्टिक में रखा है तो भी मिट्टी लंबे टाइम तक गीली रहती है। वैसे भी इसका अपना नेचर है, इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। वैसे मैं अपने सारे प्लांट्स के लिए बोलती हूँ कि आप चेक करो, अगर ऊपर 1-2 इंच पानी सूख चुका है तो आप पानी दे दो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको एक स्टिक डालनी है काफ़ी अंदर तक, एटलीस्ट आपको इतने अंदर तक डालनी है कि इसके जो बल्ब्स हैं वहाँ तक स्टिक पहुँच जाए, और आप चेक कर लो कि एटलीस्ट इसके बल्ब का जो एरिया है वहाँ तक मिट्टी सूख चुकी है। तो जब मुझे श्योर हो जाता है कि मिट्टी काफ़ी अंदर तक सूख चुकी है, मैं तभी इसमें पानी देती हूँ। जब भी मुझे इसको पानी देना होता है, मैं इसका पॉट उठाती हूँ, बाहर लेके जाती हूँ, खूब बढ़िया से, बहुत अच्छे से मैं पेट भर के इसको पानी देती हूँ। पानी देने के साथ साथ इसको स्प्रे करती हूँ, अच्छे से नहलाती हूँ, पत्तियाँ साफ करती हूँ। और जब 2-3 घंटे में इसकी पत्तियों का पानी सूख जाता है या जो ड्रेनेज होल से पानी निकल रहा है वो सूख जाता है, उसके बाद ही मैं इसको अंदर रखती हूँ। और एक बार इसको पानी देने के बाद काफ़ी दिनों की छुट्टी। इसके जो बल्ब्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, अगर आपने बार बार पानी दिया, ओवर वाटरिंग कर दी, तो इसके बल्ब्स सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। जैसे मेरे जीजी में एक बार क्या हुआ कि नीचे से पत्तियां पीली होने लगी और जो स्टेम है वो गल के गिरने लगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको पूरा बाहर निकाल के चेक करूंगी कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। मैंने जब बाहर निकाला तो देखा अंदर से इसकी जो बल्ब्स हैं वो गल रहे हैं। पहले एक गला काफ़ी सड़ गया था, मैंने उसको निकाला और देखा कि ये आसपास के बल्ब्स को भी गला रहा है। तो मैंने पहले तो उसका एरिया साफ किया और उसके बाद उस एरिया को सुखाने की कोशिश की, उसमें सूखी मिट्टी डाली, कोकोपीट डाली, जिससे उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। फिर उसको मैंने रीपॉट किया उसी पॉट में, अच्छी मिट्टी में, और अब ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछो कि जीजी को कितने दिनों में पानी देना है, तो ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। जैसे केरला में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, पता नहीं कब तक मिट्टी गीली रहेगी, कहीं बहुत बारिश होती है, कहीं बहुत गर्मी होती है, कहीं बहुत ड्राइनेस होती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें स्टिक डाल के देखनी है, अगर आपको लगता है कि अंदर तक सूख गया है आपको तभी पानी देना है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ, जून जुलाई भयंकर गर्मी पड़ती है, उसमें भी मैं इसमें जब भी पानी देती हूँ उसके 20 दिन बाद ही चेक करती हूँ, पानी देती नहीं हूँ, चेक करती हूँ, अगर मुझे अंदर तक मिट्टी सूखी दिख रही है मैं तभी पानी देती हूँ। बाकी इंडोर प्लांट्स जितने भी हैं, गर्मी में मैं हफ्ते में एक बार उनको पानी दे देती हूँ। जब भी हमें बाहर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने सारे प्लांट्स में अच्छे से पानी भर भर के पानी दे के जाते हैं कि एटलीस्ट 3-4 दिन तक दिक्कत ना हो। लेकिन जीजी प्लांट में आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जैसे मुझे कहीं जाना है 4-5 दिन के लिए भी, मैं चेक करती हूँ, अगर हल्का सा भी मॉइस्चर है पानी नहीं देती हूँ मैं। मुझे पता है कि मॉइस्चर है इसमें और मैंने पानी दे दिया तो 4 दिन बाद ही मुझे ख़राब मिलेगा। अंडर वाटरिंग ये बर्दाश्त कर लेता है, सपोज़ कभी 1-2 महीने के लिए मैं बाहर जाती हूँ, जीजी को अगर ज़रूरत नहीं है, मैं पानी नहीं देती हूँ, ये जहाँ रखा है जैसा है मैं एज इट इज़ छोड़ के जाती हूँ,
एक महीने बाद, 1.5 महीने बाद अगर आती हूँ, तो ऑब्वियसली है कि अगर पानी की कमी हो गई है तो कुछ पत्तियाँ इसमें ब्लैक दिखेंगी या कुछ ख़राब होने लगेंगी। सिंपल मैं ट्रिमिंग करती हूँ, पत्तियों को हटाती हूँ, पानी देती हूँ, धीरे धीरे कुछ दिनों में ये प्लांट रिकवर हो जाता है। कम पानी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ज़्यादा पानी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो जिनके पास जीजी है उनको पता है कि वो कितने निश्चिंत है जीजी की तरफ से। अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं या आप ऑफिस गोइंग हैं, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं अपने प्लांट्स को, आप जीजी को रखो। इस प्लांट को जब भी शिफ्ट करना है तो आपको इसकी मिट्टी भी तैयार करनी होगी। हर एक प्लांट की मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मिट्टी में एक्चुअली जान होती है। तो इसकी भी मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? वेल ड्रेन प्लस कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। वेल ड्रेन का मतलब क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जैसे ही पानी दे रहे हो, मिट्टी पानी को सोख रही है, मिट्टी में अंदर कहीं भी दलदल नहीं हो रहा है, जितना मिट्टी को सोखना है उसने सोखा और ड्रेनेज होल से पानी निकल गया। मतलब ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इसकी मिट्टी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। बहुत सी जगह मैंने पढ़ा है कि इसकी मिट्टी सकलेंट्स की होनी चाहिए। देखो, जो सकलेंट्स की मिट्टी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। मैंने ऐसी मिट्टी में ट्राई किया जीजी प्लांट को रखने का, तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। होता क्या है कि ग्रोथ तो शुरू में अच्छी हुई, लेकिन जब ये प्लांट बढ़ने लगा, फैलने लगा, जब इसकी स्टेम बड़ी बड़ी होने लगी, तो ये गिरने लग गया, झुकने लग गया। तो मुझे लगा कि अब क्या दिक्कत है, अभी तो मैं ओवर वाटरिंग भी नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने इसमें जब चेक किया तो मुझे पता चला कि मिट्टी हद से ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मैंने उसमें मिट्टी भरी, थोड़ा सा मिट्टी को कॉम्पैक्ट किया। अब ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इसकी मिट्टी आपको कैसे बनानी है? आपके एरिया में जो भी मिट्टी है, आप उसको ले लो, अच्छे से साफ़ कर लो। कंकड़ पत्थर या कांच के टुकड़े वगैरह नहीं होने चाहिए। जितनी आपने मिट्टी ली है उसका आधा आप कोई भी कंपोस्ट ले लो, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट ले। आपने जितना भी कंपोस्ट लिया है उससे थोड़ा सा कम आपको सैंड लेनी है, यानी कि बालू, जो कंस्ट्रक्शन सैंड होती है ना, वही रिवर सैंड, और बहुत थोड़ी सी कोकोपीट ले लेंगे। अगर आपके यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है तो आप कोकोपीट मत लेना। और मेरे पास परलाइट था तो मैं डाल रही हूँ। हर एक चीज़ की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है। परलाइट, वर्मीक्यूलाइट भी गार्डनिंग में यूज़ होती हैं। क्या यूज़ है, क्यों कर रहे हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। जीजी प्लांट में बहुत बड़ा रोल नहीं है वर्मीक्यूलाइट और परलाइट का, लेकिन इंडोर प्लांट्स में ना ये देखने में अच्छी लगती है, सुनहरी लगती है वर्मीक्यूलाइट। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल दो, नहीं है कोई ज़रूरी। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें आप अपने जीजी प्लांट को लगा सकते हो। जीजी प्लांट को फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम इसमें थोड़ा थोड़ा टॉनिक देते रहोगे, थोड़े थोड़े लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहोगे, तो इसकी जो लीव्स हैं उनमें शाइन भी मेंटेन रहेगी और वो थोड़ी बड़ी और हेल्दी भी दिखेंगी और ये ग्रोथ भी थोड़ा जल्दी करेगा। अगर आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम है तो अलग बात है, तब तो हम अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इसकी ग्रोथ ही रुक गई है तो एक अलग बात है, अदरवाइज जनरली मैं साल में 3 बार इसमें फर्टिलाइज़र देती हूँ। पहला मैं देती हूँ फरवरी में, मैं इसमें देती हूँ काऊ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र। दूसरा मैं देती हूँ मई की स्टार्टिंग, जब बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू होने वाली होती है, उसके पहले एक बार मैं इसमें कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट देने की कोशिश करती हूँ या कोई लाइट सिखा देने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने सीवीड दे दिया या एप्सम सॉल्ट दे दिया या फेरोमोन्स की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो दे दिया या वर्मी कंपोस्ट टी दे दी, नीम का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया, इस तरीके से कोई बहुत ही लाइट सा फर्टिलाइज़र दे दिया। उसके बाद मैं इसमें देती हूँ अक्टूबर में, जब ठंड शुरू होने वाली होती, उसके पहले मैं देती हूँ मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र। अब आप सोचेंगे कि ये एक टिपिकल इंडोर प्लांट है, इसको बेडरूम में रखा हुआ है, लेकिन इसमें गाय के गोबर की खाद डाली जा रही है, इसमें तो स्मेल भी आएगी और इसमें तो कीड़े भी होंगे, तो ये अनहाइजेनिक नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। काउ डंक मतलब कि गाय के गोबर की या भैंस के गोबर की जो खाद बन रही है, अगर वो सही से डिकम्पोज हुई है, सही से बनी है, तो ना उसमें स्मेल होती है और ना उसमें कीड़े होते हैं। उसका जो लिक्विड होता है, ये कैसे बनता है इस पर मेरे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो लिक्विड होता है उसमें मैं बहुत सारा पानी मिला के देती हूँ। अप्रॉक्स 1:5 का रेशियो रहता है। एक मग अगर मैंने फर्टिलाइज़र लिया है तो 5 मग मैं इसमें पानी लेती हूँ। सेम मैं मस्टर्ड केक के साथ भी करती हूँ। मस्टर्ड केक में ना हल्की सी सरसों की पंजेंट सी स्मेल होती है, वो भी बिल्कुल नहीं होती है अगर आप अच्छे से पानी में घोल के दोगे। ये एक ऐसा इंडोर प्लांट है, इसको आपने जहाँ पे भी रखा है वहीं पर रख के छोड़ दीजिए। कभी ऐसा नहीं करना है 2 दिन घर के बाहर धूप दिखा रहे हैं, फिर अंदर ला रहे हैं, फिर 2 दिन बाहर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पे रखा है ये वहीं पर सेट हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ZZ प्लांट का कैसे प्रोपोगेशन होता है आप ये देखना चाहते हो, लीव से कैसे बनाते हैं, स्टेम का प्रोपोगेशन कैसे होता है, या ZZ प्लांट में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको किस तरीके से टैकल करते हैं, ये सब आप देखना चाहते हो, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस चैनल के वीडियो हेल्पफुल लगते हैं, आप अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको नर्सरी में कहीं पॉली बैग में ZZ प्लांट मिला है तो मुझे ज़रूर बताइए। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।